वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब ज्योग्राफी का होगा द एंड, बिकॉज हम बजाएंगे ज्योग्राफी का बैंड। और भाई दोस्तों आ गए तुम। अरे अरे भटकते भटकते न जाने कहां से, ये बेचारा गरीब इधर आ गया। तो बाल को अब तुम सबको एक बात पता होएंगी कि हम सब ह्यूमंस इंटीग्रेटेड हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब हम एक अधूरे हैं, हम एक दूसरे से लेन देन करते रहते हैं। और इंसानों की तरह ही ज्योग्राफी भी एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। अब ये इंटीग्रेटेड कैसे है और ये किससे लेन देन करती है? तो ज्योग्राफी लेन देन करती है नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट से। अब जितने भी सब्जेक्ट तुम नेचुरल साइंस में पढ़ते हो, वही सारे सब्जेक्ट तुम फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो। और जितने भी सब्जेक्ट तुम सोशल साइंस में पढ़ते हो, वही सब्जेक्ट तुम ह्यूमन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो। इसीलिए हम कहते हैं ज्योग्राफी इज अ इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। अब हम इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी और तारीफ करते हैं कि ज्योग्राफी जो है ये एक सब्जेक्ट है सिंथेसिस का। अब ये सिंथेसिस क्या होती है, चलो तो इसे भी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बता देता हूं। सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। जैसे तुमने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या कंबाइन होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? हमारा फूड। तो इसी तरह से इन टमाटर, प्याज और मूली या गाजर, इन सबको तुम नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल ज्योग्राफी का कॉम्पोनेंट मानो। और ये नमक वगैरह, चिली पाउडर, ये सब ह्यूमंस अपने आप बनाते हैं, तो इसलिए इसे तुम ह्यूमन ज्योग्राफी या सोशल साइंस का पार्ट मानो। तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को कंबाइन करने से हमारी ज्योग्राफी बनती है। इसका मतलब जब हम डिफरेंट नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट और सोशल साइंस के सब्जेक्ट को मिक्स करते हैं तो हमारी ज्योग्राफी बनती है। समझे? अब देखो इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाने से क्या बना, हमारा खाना बना। और इस खाने को ही हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। और खाना कितना टेस्टी होता है ना, तो इसी तरीके से हमारी ज्योग्राफी भी बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है। ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। अब एक और चीज सुन लो कि जो ज्योग्राफी होती है ये स्पेशियल सिंथेसिस पे वर्क करती है। स्पेशियल सिंथेसिस क्या होता है, पहले स्पेशियल का मतलब समझो। स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस, और स्पेस का मतलब होता है अर्थ के ऊपर का कोई एरिया। और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। तो ज्योग्राफी स्पेशियल सिंथेसिस कैसे करता है, तो जैसे हम नॉर्थ पोल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो नॉर्थ पोल एक स्पेस हो गया। और सिंथेसिस किस चीज का हो रहा है यहां पर, डिफरेंट आइडियाज का, डिफरेंट क्वेश्चन का, कि वो कोल्ड क्यों है वो जगह, वहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स प्लांट मिलते हैं, उस जगह की लोकेशन क्या है, वहाँ पे 6 महीने दिन क्यों होता है, 6 महीने रात की होती है। ज्योग्राफी हमें ये सारे क्वेश्चंस बताता है एक स्पेस से रिलेटेड। अब एक सवाल उठता है कि हम नेचुरल साइंस में क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखो ये तो इसके नाम से ही बहुत क्लियर है, नेचुरल साइंस में हम नेचर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। और नेचर में क्या क्या आता है, वाटर बॉडीज, लैंड मास, एटमॉस्फेयर, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग्स, सब चीज आ जाती हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी में भी हम क्या पढ़ते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। आए सर, इसका मतलब तो ये दो जिस्म एक जान जैसा कुछ कुछ हमको लगता है। पेडोलॉजी एक नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं, पेडोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं सॉइल्स के बारे में, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सब तो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो पेडोलॉजी का ज्योग्राफी में नाम होता है सॉइल ज्योग्राफी। नेचुरल साइंस में दूसरा सब्जेक्ट होता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी में इसी सब्जेक्ट का नाम ओशनोग्राफी होता है। मीटियोरोलॉजी भी अब एक नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर हम मीटियोर्स के बारे में नहीं पढ़ते, ना 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 मुन्ना ना।
इस सब्जेक्ट में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, और हम ज्योग्राफी में भी तो क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में इस सब्जेक्ट का नाम है क्लाइमेटोलॉजी। इसके बाद आता है जियोलॉजी, जो कि एक नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है। जियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स पढ़ते हैं, कि मतलब ये पहाड़ पहले ऐसे था तो अब ये ऐसा क्यों हो गया है, इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, और ये सब तो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में इस सब्जेक्ट का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। इस टेबल को तुम बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये वन मार्कर में आ सकता है। अरे सर, ये सब तो पहले से ही पता था, कुछ नया पढ़ाओ ना। जरा इस टेबल को कंप्लीट करो। अब ये ज्योग्राफी तुमसे ये आशा भी रखती है कि जो स्टूडेंट मुझे पढ़ने वाला है उसे बेसिक मैथ में अच्छा होना चाहिए, और उसे ड्राइंग में भी अच्छा होना ही चाहिए। अब तुम्हें आर्ट्स में इसलिए एक्सीलेंट होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें मैप्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हें कई सारे डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे। और मैथ्स में तुम्हें इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि ज्योग्राफी में हम स्टैटिस्टिक्स के साथ भी बहुत खिलवाड़ करते हैं। दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए भी मैथ्स का इस्तेमाल होता है, और तो और हमें लोकेट करने के लिए, प्लेसेस को लोकेट करने के लिए भी मैथ्स आनी चाहिए। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट, ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट है ये निकला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। जी हाँ, ये वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो तुम 9th 10th में पढ़कर आए हो। ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है लॉन्गिट्यूड, और ये जो अब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये है लैटिट्यूड। एक चीज तुम हमेशा याद रखना, लैटिट्यूड हमेशा मैप पर लेटी रहती है। चलो ये तुम्हारा प्ले टाइम है, एंजॉय करो। इस बेचारे को इसके खजाने तक पहुंचा दो। मिशन अकम्प्लिश्ड सर। अब जैसे ज्योग्राफी स्पेशियल सिंथेसिस अटेम्प्ट करती है, वैसे ही हिस्ट्री अटेम्प्ट करती है टेम्पोरल सिंथेसिस। अब इस टेम्पोरल सिंथेसिस का मतलब होता क्या है? टेम्पोरल का मतलब होता है टेम्पररी, का मतलब होता है कंबाइन करना। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे बड़े जो भी माउंटेन्स हैं वो हमें मिलते हैं हिमालयन रीजन में, लेकिन अगर हम थोड़ा पास्ट में चलें तो सबसे ज्यादा ऊंचे जो माउंटेन्स होते थे वो अरावली रेंज में हमें मिलते थे। तो जब हम ह्यूमंस ने इसके बारे में पता लगाया तो हमें पता लगा कि कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अरावली रेंज के माउंटेन्स बहुत बड़े हैं। लेकिन आज ये जो अरावली रेंज है ये इरोजनल एक्टिविटीज़ के कारण बहुत छोटी हो गई है। और जब हम ह्यूमंस ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करी तो हमें पता लगा कि वो फैक्टर्स चेंज हो गए हैं, तो मतलब ये फैक्टर्स टेम्पररी थे। चलो अब एक क्वेश्चन भी देख लो और उसका आंसर भी जान लो। क्वेश्चन है, हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्ट्री। वाटर बोट्स, शिप, बैटलशिप, ये इन सब को हम कहते हैं नेविगेशन टेक्नोलॉजी, और इस नेविगेशन टेक्नोलॉजी ने यूरोपियंस की मदद करी To colonize some parts of Asia and Africa continent. Second point है, जो इंडिया का कोस्टल रीजन है वो बहुत बड़ा है, उससे क्या होता है हम ट्रेड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस कोस्टल रीजन ने क्या किया, इसने बढ़ावा दिया ट्रेड को, और हमारे कॉन्टैक्ट अपनी नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हो गए। और तुम्हें यह पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए ही आए थे, ईस्ट इंडियन कंपनी, याद है ना। थर्ड पॉइंट है, ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं इनके अंदर कुछ पासेस हैं, जैसे बॉलन पास, बॉमडिला पास, शिप किला पास, और भी बहुत सारे। और जो लोग इंडिया पे कब्जा करना चाहते थे वो इन्हीं पासेस से इंडिया में आए थे। अब हम बढ़ते हैं आगे ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस की तरफ। तो सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं ह्यूमंस के बारे में, और ज्योग्राफी में एक कॉम्पोनेंट है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें हम ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ते हैं।
तो पहला सोशल साइंस का सब्जेक्ट है फिलॉसफी। फिलॉसफी के अंदर मतलब मुफ्त का ज्ञान आता है। इसमें जैसे किसी इंसान के थॉट क्या थे, मतलब जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, अगर हमें ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना है तो हमें उनकी रीढ़ तोड़नी होगी, और उनकी ये बैकबोन टूटेगी कैसे, जब हम स्वदेशी माल अपनाएंगे और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। और इसी सब्जेक्ट को हम ज्योग्राफी में कहते हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी में हम एक सोसाइटी बिलीव्स और डिसबिलीव्स पे बात करते हैं। मतलब अगर तुम्हारा रास्ता कोई काली बिल्ली काट जाती है तो वो अशुभ है, और कोई अगर छींक देता है तो वो अगेन दैट इज नॉट ऑस्पिशियस। तो इस तरह की चीजें हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। और इसी सब्जेक्ट को जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है कल्चरल ज्योग्राफी। अब एक और सब्जेक्ट आता है सोशियोलॉजी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक सोसाइटी के बारे में कि वो सोसाइटी में इंसान क्या क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या क्या खाते पीते हैं, तो मतलब ये सब चीज़ें। और अगेन जब हम इस सब्जेक्ट को ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है सोशल ज्योग्राफी। और इसके बाद एक और सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे कम है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के क्या क्या रीजंस हैं, सरकार क्या कर रही है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये सब चीज़ें हम डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। और जब हम ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी के नज़रिए से देखते हैं या पढ़ते हैं तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। चलो इस टेबल को तुम कंप्लीट करो क्योंकि ये वन मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टेबल को भी याद कर लेना। अब हम आते हैं ज्योग्राफी के एक और कंपोनेंट पे, दैट इज बायोज्योग्राफी। तो बायोज्योग्राफी में तीन सब्जेक्ट आते हैं। पहला है बॉटनी, इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है जूलॉजी, इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। और थर्ड सब्जेक्ट आता है इकोलॉजी, इसमें हम पढ़ते हैं द इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब तुम खुद सोचो, एक लिविंग थिंग कब जिंदा रह सकता है, जब वो पानी पिए, ऑक्सीजन इनहेल कर ले। तो इकोलॉजी का मतलब होता है द इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। और इसीलिए कहा जाता है कि ज्योग्राफी कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक ज्योग्राफर को हर एक सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन तुम सब चिंता मत करना क्योंकि क्लास 11th में उल्टा होगा, तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते दूसरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो जाएगी। चलो तो भैया मैं तो चला नेचर से पानी लेकर नेचर को वापस पानी देने।